दोस्तों आज हमारे पास एटमबर्ग, करप्टन और हैवल्स तीनों बड़ी कंपनियों के BLDC फैन जो कि इस समय 5-स्टार रेटिंग में आते हैं और जिनका तकरीबन 25 से 30 वाट का लोड होता है, इनको सीलिंग पर लगाकर चेक करेंगे कितना RPM रहेगा, कितना वाट रहेगा और प्रतिदिन कितनी बिजली का कंजप्शन यह करेंगे। सबसे पहले हम हैवल्स का सीलिंग फैन लेते हैं, बाकी दो को अभी हम यहां से हटा देते हैं। यह हैवल्स कंपनी का BLDC सीलिंग फैन आप देख रहे हैं, देखने में काफ़ी सुंदर यह आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक स्टिकर इस पर दिया हुआ है, इस स्टिकर पर ही हैवल्स लिखा है और 26 वाट इसका लोड लिखा गया है। फैन के ऊपर दो स्ट्रिप हम देख रहे हैं, एक स्ट्रिप में हमारी AC इनपुट कनेक्ट होनी है, बाकी एक 3 पिन की दूसरी स्ट्रिप यहां दी गई है, इसमें से 3 वायर अंदर फैन में जा रहे हैं। फैन के ऊपरी सिरे में सेंसर दिया गया है, नीचे के हिस्से में कोई सेंसर रिमोट के लिए इसमें नहीं दिया गया। BLDC फैन जितने भी होते हैं उनको घुमाने से यह टाइट चलेगा, जो इंडक्शन फैन होते हैं उसको थोड़ा घुमाएंगे तो काफ़ी देर तक घूमता रहेगा। BLDC फैन में परमानेंट मैग्नेट लगी हुई होती हैं, इसलिए इन फैन को जब चलाकर देखते हैं तो यह हमको टाइट चलते हुए महसूस देते हैं। BLDC फैन को जिस समय आप हाथ से घुमाएंगे तो यहाँ पर LED यदि लगी हुई होगी तो इसकी LED स्वतः ही जलने लगती है। इस फैन में यहाँ कोई LED ग्लो नहीं कर रही, तो इसका मतलब नीचे इसमें कोई LED लगी हुई नहीं है। और इस समय दोस्तों हैवल्स का BLDC फैन हमने सीलिंग पर फिक्स कर दिया है और स्विच को ऑन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फैन चालू हो चुका है। इस समय फैन को हमने 5 नंबर स्पीड पर सेट कर दिया है। लोड मीटर में आप देख रहे होंगे कि 31-32 वाट लोड इस समय चल रहा है। RPM भी इसके देख लेते हैं और एयर थ्रो भी इसका चेक कर लेते हैं। RPM इस समय देख रहे हैं कि 340 इसके RPM हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 340-50 एयर थ्रो इस समय चल रहा है और अब एटमबर्ग कंपनी के इस BLDC इफिशियो मॉडल को भी चेक कर लेते हैं। 5-स्टार रेटिंग में यह फैन है। एटमबर्ग आप यहां देख रहे होंगे, इसकी कैबिनेट में यहां उभरे हुए अक्षरों में लिखा हुआ है और कंपनी ने अपने फैन पर 28 वाट लोड लिखा है। जैसा कि हैवल्स के सीलिंग फैन में रिमोट के लिए सेंसर ऊपर दिया गया था, इसमें सेंसर ऊपर नहीं है, सेंसर इसका यहां नीचे दिया गया है और नीचे ही इसमें LED भी है। इसके रिमोट में LED का यहाँ फंक्शन दिया गया है, यदि LED को आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं। यह स्विच टाइमर के लिए है और यह स्लिप के लिए है और बाकी यह है, इसमें 5 स्विच दिए गए हैं स्पीड कंट्रोल के लिए और एक बीच में B यानी स्पीड बूस्ट के लिए दिया गया है। फैन की LED को चेक कर लेते हैं। जैसे हम फैन को बिना बिजली दिए खाली यहाँ पर हाथ से घुमाएंगे तो हम देख रहे हैं कि LED यहाँ पर जल रही है। इस समय हमने एटमबर्ग का इफिशियो मॉडल सीलिंग पर फिट कर दिया है और स्विच को ऑन कर देते हैं। रिमोट से इसकी स्पीड को हम 5 नंबर पर सेट कर देते हैं। वैसे इसमें बूस्ट का भी एक स्विच दिया हुआ है, यदि बूस्ट पर रखेंगे तो इसके 4-5 वाट और बढ़ जाएंगे और फैन का RPM बढ़ेगा और एयर थ्रू भी बढ़ जाएगा, लेकिन 5 नंबर पर सेट करके ही इसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। और 5 नंबर पर रखकर आप लोड मीटर में देख रहे हैं कि इस समय 28 से 30 वाट लोड इसका चल रहा है। इस समय इसका एयर थ्रो और RPM भी चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। RPM मीटर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय 339.40 इस फैन के RPM हैं। एयर थ्रो मीटर में इस समय आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 400 एयर थ्रो इस समय चल रहा है। और अब करप्टन सीलिंग फैन को भी चेक कर लेते हैं। यदि स्टिकर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो 5-स्टार रेटिंग में यह फ़ैन है। इसका सर्किट यहाँ जो ब्लैक कटोरी आप देख रहे हैं इसमें इसका सर्किट लगाया गया है और नीचे इसका मोटर दिया गया है। फैन में नीचे शायद कोई LED नहीं है क्योंकि कोई भी LED घुमाने पर ग्लो
नहीं कर रही है। रिमोट में 5 स्पीड है, एक स्विच ऑन ऑफ के लिए है और नीचे 4 स्विच टाइमर के लिए दिए गए हैं। और इसको चलाकर इसका लोड और आरपीएम भी चेक कर लेते हैं। क्रप्टन का जो फैन आप देख रहे हैं इस समय सीलिंग पर लगा लिया है और अब इसका स्विच ऑन करके इसको हम चला देते हैं। फैन को रिमोट से फुल स्पीड यानी 5 नंबर पर करके हम छोड़ देते हैं और लोड मीटर में इस समय आप देख रहे हैं कि 35-36 वाट का लोड इस समय चल रहा है। आरपीएम मीटर में इस समय आप देख रहे हैं कि 340-345 आरपीएम फैन के इस समय हैं। एयर थ्रो मीटर में एयर थ्रो भी देख लेते हैं, 350-355 एयर थ्रो इस समय एयर थ्रो मीटर में आप देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस समय की तीनों ही धुरंधर कंपनियां एटमबर्ग, हैवल्स और क्रप्टन के BLDC फैन का रिव्यू देखा और हमने पाया कि 220-30 वोल्ट पर तीनों ही फैन की 5 नंबर स्पीड करके एटमबर्ग फैन ने 29 वाट का लोड लिया है, हैवल्स ने 31 वाट का लोड लिया है और क्रप्टन ने 35 वाट का लोड लिया है। और इस इतने लोड पर एटमबर्ग का आरपीएम 340 रहा, हैवल्स का भी 340 रहा और क्रप्टन फैन का भी आरपीएम 340 रहा। अमूमन तीनों का आरपीएम बराबर रहा। एयर थ्रो, एटमबर्ग का एयर थ्रो 400 फीट प्रति मिनट रहा, हैवल्स का 355 फीट प्रति मिनट और क्रप्टन का 350 फीट प्रति मिनट का एयर थ्रो यहां पर देखा गया। और फीचर यदि देखे जाएं तो एटमबर्ग के फैन में आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। सर्विस की यदि बात करें, क्रप्टन और हैवल्स दोनों की सर्विस बढ़िया है। इंडिया के तकरीबन सभी जिलों में इनके सर्विस सेंटर होते हैं। एटमबर्ग की यदि बात करें तो एटमबर्ग के जिन जिलों में सर्विस सेंटर है वहाँ पर 2 साल की सर्विस ऑन साइट मिलती है। जिन डिस्ट्रिक्ट में सर्विस सेंटर नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट में एटमबर्ग फैन की रिप्लेसमेंट वारंटी है। टोल फ्री पर अपनी कंप्लेंट लिखाएंगे, 3-4 दिन के बाद नया फैन आपको मिल जाता है। मेरे सजेशन के अनुसार नंबर 1 पर आप एटमबर्ग को चूज करें, उसके बाद आप हैवल्स फैन भी ले सकते हैं। इस समय तीनों ही कंपनियों के BLDC फैन का प्राइस तकरीबन सेम है। तीनों ही कंपनियों के फैन 3,300 के आसपास मिल जाते हैं। ऑनलाइन यदि चेक करेंगे तो 5,500 रुपये और भी कम आपको यह फैन मिल जाते हैं। तीनों ही कंपनियों के फैन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमारे लिंक से इन फैन को खरीद लेते हैं तो आपको अतिरिक्त बेनिफिट भी मिल जाते हैं और कुछ लाभ हमको भी मिल जाता है। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।